प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड नहीं हो रहा है या प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। कुछ भी का मतलब यानी कि कोई भी ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये प्रॉब्लम जब आए तो सबसे पहले आपको एक काम क्या करना है, आपको अपने प्ले स्टोर को दबा के रखना है और यहाँ पे एक आई बटन सा नज़र आएगा या फिर ऐप इन्फो करके आएगा, उस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर को फोर्स स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज या फिर स्टोरेज यूज़ का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप क्लियर डाटा कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये करना है, नंबर एक तो ये करना है। नंबर दूसरा, आपको नोटिफिकेशन पैनल को नीचे की तरफ खींचना है और यहाँ पे आपको दिखेगा एरोप्लेन मोड या फ्लाइट मोड, उस पर क्लिक करना है और फिर से आपको उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो वाईफाई है या फिर आप अपने वॉल डाटा से कर रहे हैं तो डिसकनेक्ट होकर फिर से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप अपने पावर वाले बटन को, फ़ोन का जो पावर वाला बटन है उसे दबाएँगे और उसके बाद आप अपने फ़ोन को यहाँ से स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ मत करो, आप रीस्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिक फ़ोन ऑन होगा, आपका प्ले स्टोर वर्क करेगा, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे डाउनलोड होगा। चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको करके। जैसे ही ओपन हो जाए यहाँ पे जिस भी ऐप को आप डाउनलोड कर रहे हैं उस ऐप का नाम सर्च कीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने सर्च किया फेसबुक लाइट, इंस्टॉल वाले बटन पर मैं क्लिक करूँगा। अभी आप देखेंगे ये पेंडिंग आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पेंडिंग आने देना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड होने लगा है। नेट आपका जितना फास्ट होगा ये उतनी जल्दी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, नेट फास्ट होना चाहिए तब ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो आप अभी देखेंगे, ये देख सकते हैं इंस्टॉल हो गया, मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखो रहा। तो फिलहाल इस वीडियो में लेता हूँ, मतलब वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ।